हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके घर के पेंट के एक्सटीरियर के 2023 के जो ट्रेंडिंग कलर्स हैं वो आपको बताने वाला हूं, साथ ही साथ 2023 के जो एक्सटीरियर एलिवेशन डिजाइन है वो आपको देने वाला हूं, और तीसरा कि जब हम अपने घर के एक्सटीरियर को पेंट करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें हो जाती है कि यार कौन सा कलर चूज करें। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप 30 सेकंड्स के अंदर ये पता लगा पाएंगे कि मेरे घर पे मेरे स्टाइल और टेस्ट के हिसाब से कौन सा कलर बेस्ट लगेगा, वो भी आउट ऑफ दी 1 लाख कलर्स। और साथ के साथ इस वीडियो में मैं आपको कलर कोड्स भी दे दूंगा कि आप सीधा शॉप में जा पाओगे और बिना किसी कंफ्यूजन के कलर्स को विद कोड बाय कर पाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक कोच पे, और मैं आपका कोच एंड इंडिया बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। देखो बहुत ध्यान से सुनना कि अगर यहां पे ट्रिक को आपने ढंग से नहीं समझा तो D4 डिजाइन की जगह D4 डिजास्टर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, और स्क्रीन पे जाने से पहले एक चीज बताता हूँ कि अक्सर हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमें टाइल क्लीन करनी है तो कौन सा केमिकल बेस्ट रहेगा, ग्लास क्लीन करना है तो कौन सा, ग्राउट करना है तो कौन सा। तो इसके लिए हमने आपके लिए किट रेडी कर दिया जिसमें सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, तो वो जल्दी आने वाली है, बाकी जैसे ही आ जाएगी आपको हम बता देंगे। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो हमारे घर के अंदर दो लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है लेवल ए, या फिर हम इसको नाम देते हैं लेवल माइनस, मतलब कि ये वाला, और लेवल प्लस हो गया जो कि हमारे घर से बाहर प्रोजेक्टेड हो रखा होगा। तो ये हो गया हमारा माइनस लेवल, ये हो गया हमारा प्लस लेवल। तो यहाँ पे ट्रिक जो है वो ट्रिक है कि आपको हमेशा अपने प्लस वाले लेवल की टक्कर पे, मतलब कि पर्टिकुलरली इस एरिया में, हमेशा आपको लाइट कलर करना है, और जो बैक एरिया है मतलब कि ये वाला कलर, यहाँ पे हमेशा आपको डार्क कलर करना है इस पर्टिकुलर वॉल पे। आप उल्टा भी कर सकते हो लेकिन उसमें एक छोटा सा एड ऑन होगा। फिर से बता देता हूँ, हमेशा आपको जो ये प्लस वाला लेवल है जो बाहर निकला हुआ है, इस टक्कर को लाइट कलर रखना है, और जो पीछे वाला लेवल है, ये वाला लेवल, इसको हमेशा आपको डार्क रखना है। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे। अगर नहीं रखोगे, अगर आपने सामने वाले को डार्क रख दिया और पीछे वाले को लाइट, तो डी का डिजास्टर कैसे होगा वो देखते हैं, और सीधा ओरिजिनल फोटोज दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखो, ये डार्क हो गया और पीछे लाइट हो गया। डोंट वरी, हो सकता है आपको अभी अच्छी लग रही हो लेकिन आगे मैं दिखाता रहूंगा। अब ये देखो यहां पे क्या है, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है हमारा व्हाइट है और पीछे हमारा ग्रे है, लाइटर ग्रे। इसको हम चाहे तो और डार्क ग्रे भी कर सकते थे, जितना बाहर व्हाइट उतना पीछे ग्रे, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब चलो मैं एक इल्यूजन आपके लिए क्रिएट करता हूं, मैं आपको दो फोटोज दिखाता हूं। ये फोटो नंबर 2, अब कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? तो आपको भी यही वाला अच्छा लगा ना, जिसमें बैक पीछे है और व्हाइट आगे है। वो क्यों? क्योंकि एक ऐसा इल्यूजन कंसेप्ट है कि डार्कर चीज हमें अगर ज्यादा पास दिखाई देगी तो वो चीज एक कॉम्पैक्ट दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी, लेकिन ब्राइट फील आगे है और बैक, या मतलब डार्क कलर्स थोड़े पीछे हैं, तो देखने में और ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। और ये पर्टिकुलर ट्रिक सिर्फ और सिर्फ घर के केस में करनी है, वो भी एक्सटीरियर में। ये नहीं कि मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द एक्सटीरियर पार्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगेन देखो, यहां पे इसकी टक्कर जो है डार्क है, इधर ये देख रहे हो, ये टक्कर डार्क है और इधर भी टक्कर डार्क है, सेम सी हो गया, मतलब कुछ पर्टिकुलरली फील नहीं आ पा रही है। और जबकि आप यहां देखोगे, ये मैंने घर का साइड फसाड आपको दिखाया है, बाहर व्हाइट है अंदर डार्क है, तो आप देख रहे हो अपीलिंग कितनी सुंदर दिखाई दे रही है इसकी, सी। अब आप लोग सोच रहे होगे, यार मनीष ठीक है तुमने जो बताया वो समझ तो आ रहा है, पर हमें ना डार्क आगे चाहिए। तो यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता डार्क हम आगे रखें, नहीं भाई बिल्कुल हो सकता है। इंटेरियर कोच का काम ही यही है कि डिजाइन को हर तरीके से पॉसिबल करना, कैसे, बस कुछ चीजों को हटाना है और कुछ चीजों को लगाना है। तो अब सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपको वो जो टक्कर, जो प्लस लेवल मैंने आपको बताया था, अगर वो डार्क चाहिए तो उसके साथ, ध्यान से सुनना, उसके साथ हमेशा सीलिंग को भी वही कलर से या उसी डार्क टोन के कलर से कलर करना है, पेंट करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैसे, अगेन चलते हैं अपने स्क्रीन पे। टक्कर डार्क हो गई बाहर और सीलिंग भी हमने ग्रे कर दी, डार्क ग्रे। तब आप ये देख पा रहे हो कि बाहर टक्कर पे पूरा ग्रे हुआ, अंदर भी पूरा ग्रे हुआ, और हमने इधर लाइट कर दिया। सेम यहां पे हुआ, डार्क और नीचे लाइट। अगेन और फोटोज, चिंता मतलब फोटोज की कोई कमी नहीं है। यहां व्हाइट है, नीचे भी व्हाइट रख लिया हमने, टक्कर हो गई, लेकिन हमें ग्रे भी देखना था, तो इधर ग्रे हुआ लेकिन नीचे जो टक्कर है वो हमने ग्रे डाल दी थ्रू आउट दी सीलिंग। मूविंग ऑन अगेन, अब देखो मैंने क्या बताया था, इधर डार्क हो गया
पीछे भी डार्क ही लिया लेकिन वुड शेड में चले गए, इसीलिए एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो सिंगल कलर का रहा और बाकी वाले एरिया में हमने लाइट शेड डाल दिए। अब देखो सेम, अगर किसी ने WPC लूअर्स लगाने हैं तो अभी लूअर्स देख रहे हो, टक्कर पे डार्क रहा, अंदर भी डार्क ही रहा, तब जाके आप, अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा आप यहां पे लाइट शेड ले रहे हो डार्क, क्योंकि सीलिंग अब हमारी, क्योंकि हमने एक एल शेप में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इतना हाईलाइट कर दिया कि पीछे अब क्या है हमारी नजर वहां जाने ही नहीं वाली। तो अब नॉर्मल व्हाइट करो, ब्लैक करो, ब्लू करो, हमारी सबसे पहले नजर टक्कर में जाएगी। अगर हम गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी का हुड, मतलब कि सामने का बंपर का एरिया सबसे पहले दिखाई देता है। अब यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आप इजिली समझ पाएंगे। अब देखो इधर अगेन डार्क है और अंदर सीलिंग भी डार्क है, इसलिए सिमेट्री बन रही है। मूविंग ऑन, व्हाइट आया, नीचे भी व्हाइट आया, ऊपर सी अगेन यहां ग्रे आया, नीचे भी सीलिंग में ग्रे आया। तो इस तरीके से आपको ये चीजें प्ले करनी है। चलो एक आधा रेफरेंस आपको और दिखा देते हैं। अब ये देख रहे हो यहां पता नहीं चलेगा ग्रे है। चलो आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो बाहर जो टक्कर पे है वही अंदर भी टक्कर पे है, तो मतलब कि टक्कर पे जो कलर है ऐसे ऊपर वुड में देखोगे, इधर मेटल CNC में देखोगे, तो हर जगह शेड सेम है। अगर यहाँ व्हाइट है तो यहाँ भी व्हाइट है। तो करना क्या है, आपका घर कैसा भी हो, आप कईयों में होता है कि जो ममटी है सीढ़ियां ऊपर जा रही है, ममटी एक अच्छी सी दिखाई देती है, वो पूरा व्हाइट रखो, नीचे से सीलिंग डार्क रखो, या उसकी होता है ना जो ममटी के बगल वाली टक्कर होती है उन्हें आप डार्क करो, टक्कर को नीचे से भी सीलिंग को डार्क कर सकते हो। अब सी देखो इसमें नॉर्मल है, सब कुछ सेम शेड में चल रहा है, बस हमने वॉल को डार्क कर दिया। सी लाइट शेडेड डार्क वॉल, लाइट शेडेड डार्क वॉल, लाइट शेडेड डार्क वॉल, सिंपल। अब ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस है। इंडिया में ज्यादा जो घर के डिजाइन होते हैं उस पर थोड़ा सा मैं आपको अभी यहां क्लियर कर देता हूं। देखो अभी इस घर में कोई दिक्कत नहीं है, ये घर भी सुंदर दिखाई देगा, अगर आपका ऐसा घर है तो सुंदर दिखाई देगा, डोंट वरी। अगर आपको बाहर ग्रे करना है तो सीधा आपको इस सीलिंग पे ग्रे करना पड़ेगा और व्हाइट आप वॉल छोड़ दो एज इट इज, डोंट वरी बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन हाँ अगर जो वुडन फ्रेम विंडो है इनको भी अगर पेंट करके ग्रे में ले आओ तो मजा ही आ जाना है। अब आप ये बताओ कि अगर इसी घर में इसका जो राइट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर मुझे करना है व्हाइट कलर और मुझे करना है येलो कलर, मस्टर्ड येलो जो होता है, वो बताओ किधर मैं करूंगा, सीलिंग में क्या होगा और बैक वॉल पे क्या होगा। अब देखते हैं कुछ एलिवेशन के 2023 के ट्रेंडिंग डिजाइन और उसके बाद मैं आपके सीधा मैं कोड देने वाला हूँ जिसमें बिना सोचे समझे आप सीधा कलर करा सकते हो। तो लेट्स, और इससे पहले कि आप फोटो देख के सीधा वीडियो छोड़ के भाग जाएं तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर डालना। अब अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं एक्सटीरियर डिजाइन को थीम वाइज सेग्रीगेट कर दूं, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली है जो कि कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ डोर ऑफ किचन, जो कि भाई वायरल मोड पे है, मजा आ गया मेरे को तो देख के, आप उसको देख लो। अगर आपको घर की भी ऐसे थीम वाइज चाहिए पेंट के कोट्स तो मैं वो भी आपके लिए आऊंगा। और गाइज हमने अपने मॉड्यूलर वर्क मतलब कि किचन वार्डरोब की फैक्ट्री डाल दी है, अब आप चाहो तो सीधा हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब हम हो गए अपने इन हाउस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टिल देन goodbye।